जय गणेश, मैं हूँ पावनी। वेलकम टू माय चैनल पावनी इज लिटिल वर्ल्ड। हम लोगों के यहाँ तो बहुत ठंड बढ़ती जा रही है, आप पीछे देख ही रहे हैं, पूरा ऐसे आतंक मचा रखा है। आपके यहाँ कितनी ठंड बढ़ रही है? और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि लौटनपुरवा गांव में हम वहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनको पहनने के लिए और ठंडियों से बचने के लिए कपड़े मिल नहीं रहे हैं, उनके पास है नहीं। कबर्ड में आपके अलमारी में जो भी आपके कपड़े रखे हैं वो छोटे हो रहे हैं आपको, तो अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो हम लोग ज़रूर पहुँचाइए, हम बहुत ही ज़रूरतमंद बच्चों तक उनको पहुँचाएंगे। आइए चलिए अपन मदद करने चलते हैं उन बच्चों की। लौटन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से लगभग 22 किलोमीटर दूर बसे इस गांव का अप्रोच रोड बहुत ही बुरी कंडीशन में है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी गांव को जोड़ने वाले रोड्स गायब हैं। लोगों से पूछते ताछते उबड़ खाबड़ रास्ते से हम जैसे तैसे गांव पहुंच ही गए। गांव में भीतर घुसते ही हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी ठंड के बावजूद बच्चे खुले बदन घूमने को मजबूर थे। हम पहुंचे गांव के प्राइमरी स्कूल में, जहां सारे बच्चे बाहर ही धूप में पढ़ रहे थे। हमने सारे कपड़े साइज बाय साइज निकाल कर रखे और एक एक बच्चे को उसके साइज के अकॉर्डिंग नए स्वेटर पहनाना शुरू किए। बाय गॉड, बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। किसी को जैकेट हुई तो किसी को ब्लेजर और किसी को कैप। बच्चों के चेहरे की मुस्कान पूरी दुनिया की दौलत से भी ज़्यादा लग रही थी। हम इनके लिए बैग, बॉटल और पेन कॉपी भी साथ लेकर गए थे। जब हम तक इस गांव की जानकारी पहुंची, उस समय हमारे पास पुराने कपड़े नहीं थे, तो हमने सारे नए कपड़े और कैप्स परचेस किए। स्वेटर मिले, टोपी भी बैठी, हमें अच्छा लगा। छोटी छोटी सी इसको ठंडी लगती है, सब हम मिले। वेरी गुड, जी सर। हिंदू उत्सव संगठन के द्वारा श्री पवन मिश्रा जी द्वारा कुछ बच्चों को इस आवश्यकता थी, उनके लिए कपड़े दिए। हमारा गर्म वस्त्र अर्पण अभियान ऐसे ही मासूमों तक इस भीषण सर्दी में कुछ गर्माहट पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। सॉक्स, आपके ग्लोव्स, आपके कैप्स, आपके जूते, जो भी आपके पास न्यू कपड़े हैं आप देना चाहते हैं या फिर हम लोगों के साथ चलना चाहते हैं उनको बांटने, तो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9425880032। हमारा कैंपेन गर्म वस्त्र अर्पण अभियान दिसंबर में स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी और उसके लास्ट तक चलता है। आप जब कपड़े निकाल पाए तब कपड़े निकालिए। आपका एक गर्म कपड़ा इन जैसे कई मासूम जरूरतमंदों को ठिठुरती ठंड से राहत देगा। ये एक शानदार काम है जो मन को तसल्ली देता है। आइए हम आप मिलकर मुस्कुराहटें बांटें। ये मत भूलिए कि आपका एक पुराना कपड़ा किसी के लिए नया हो सकता है।